नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन कुमार और आप देख रहे हैं टेक्निकल गुदेन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं एप्पल के नए स्मार्टफोन आईफोन 11, आईफोन 11 प्रो और आईफोन 11 मैक्स के बारे में बात करने वाला हूं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, एप्पल ने अपने आईफोन के नए मॉडल से पर्दा उठा दिया है। दोस्तों, कैलिफोर्निया स्थित कंपनी के मुख्यालय के एप्पल पार्क में आयोजित इवेंट में कंपनी ने अपने नए आईफोन लॉन्च कर दिए हैं। दोस्तों, पिछले साल की तरह इस साल भी 3 नए मॉडल लॉन्च किए गए। दोस्तों, कंपनी ने जो नए 3 आईफोन लॉन्च किए उनके नाम आईफोन 11, आईफोन 11 प्रो और आईफोन 11 मैक्स प्रो देखने को मिलेंगे। दोस्तों, ये तीनों स्मार्टफोन पिछले साल के मॉडल आईफोन XR, आईफोन XS और आईफोन XS मैक्स को रिप्लेस करेंगे, जिन्हें दोस्तों पिछले साल लॉन्च किया गया था। दोस्तों, सबसे पहले आईफोन 11 की बात करें तो दोस्तों इस फोन में डुअल कैमरा सेंसर देखने को मिलेंगे, जो दोस्तों दोनों ही कैमरे 12-12 मेगापिक्सल के होंगे। और दोस्तों, इस फोन के प्रोसेसर की बात करें तो और यह फोन A30 प्रोसेसर से लैस है। दोस्तों, कंपनी का दावा है कि इसमें अब तक का सबसे तेज प्रोसेसर GPU लगा है। दोस्तों, आईफोन 11 में आपको 6.1 इंच की लिक्विड रेटिना डिस्प्ले देखने को मिलेगी और यह 6 कलर वेरिएंट में देखने को मिलेगा। दोस्तों, इसके डुअल कैमरा सेटअप में एक वाइड एंगल लेंस जो 120 डिग्री फील्ड व्यू की तस्वीरें लेने में सक्षम है। दोस्तों, इस फोन के कैमरा फंक्शन में आपको नाइट मोड फीचर भी देखने को मिलेगा, जो दोस्तों कम रोशनी होने पर भी अच्छी से अच्छी क्वालिटी की तस्वीरें क्लिक करता है। दोस्तों, इस फोन में आप 60 फ्रेम प्रति सेकंड की दर से 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। दोस्तों, आईफोन 11 को IP68 रेटिंग मिली है, जिसका मतलब है कि यह फोन वाटरप्रूफ और डस्ट रेजिस्टेंट है। दोस्तों, एप्पल के अनुसार इसकी बैटरी आईफोन XR की तुलना में 1 घंटे ज़्यादा चल सकती है। अब दोस्तों, एप्पल के दूसरे स्मार्टफोन आईफोन 11 प्रो की बात करें तो इस फोन में आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। दोस्तों, आईफोन 11 प्रो में 5.8 इंच की फुल HD डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जबकि आईफोन 11 प्रो मैक्स में 6.5 इंच की फुल HD डिस्प्ले दी गई है। दोस्तों, दोनों ही स्मार्टफोन में 458 PPI है। दोस्तों, इस फोन के डिस्प्ले का नाम सुपर रेटिना डिस्प्ले दिया गया है। दोस्तों, आईफोन 11 प्रो और आईफोन 11 प्रो मैक्स में एप्पल के अपने ही दूसरे स्मार्टफोन की तुलना में 4-5 घंटे की बैटरी बैकअप देखने को मिलेगी। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि इन दोनों स्मार्टफोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा और ये तीनों कैमरा सेटअप इनमें से एक 12 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा और दूसरा 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और एक टेलीफोटो कैमरा भी दिया गया है। अब दोस्तों, आईफोन 11 प्रो की प्राइस लिस्ट की बात करें तो आईफोन 11 प्रो की कीमत $999 से शुरू होती है और आईफोन 11 प्रो मैक्स की कीमत $1,099 से शुरू होगी। और दोस्तों, साथ ही साथ तीनों नए आईफोन के कैमरा से 60 फ्रेम प्रति सेकंड से 4K वीडियो रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। और दोस्तों, इस फोन की सबसे अच्छी बात यह है कि यूज़र फोटो ऐप के जरिए वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हैं। दोस्तों, सभी नए मॉडल 13 सितंबर से प्री ऑर्डर किए जा सकते हैं और दोस्तों ये तीनों स्मार्टफोन्स 20 सितंबर से मिलने शुरू हो जाएंगे। तो बस दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि मैं इस तरह की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।